हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम इजीली कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये कहानी है अली बाबा और उनके 40 चोरों की। अली बाबा और 40 चोरों के 8 हड्डे होते हैं AD, ठीक है। अब अली बाबा और 40 चोर अपने 8 हड्डों पे पैसे छुपाते हैं और इतना पैसा छुपा देते हैं कि सरकार उनके ऊपर इनाम घोषित करती है। तो अली बाबा इससे काफ़ी डर जाते हैं, तो अली बाबा एक प्रोग्राम सेट करते हैं जहाँ पे वो अपने पैसों को आग लगा देते हैं, ठीक है। अली बाबा डर जाते हैं कि सरकार ने उनके पैसों पे इनाम घोषित कर दिया है, तो अली बाबा प्रोग्राम सेट करते हैं और पैसों को आग लगा देते हैं। ए से यहाँ तक, ठीक है। तो ये दूसरी कहानी अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारी कहानी है, ग्राउंड, बचपन, ज़मीनी तौर पर हम पैदा हुए। कितने खुश होते थे ना बचपन में, तालियाँ भी बजाते थे। पर तभी हमने पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही पढ़ाई आई, रीड राइट, और अब रीड राइट करते करते ना हम थक गए हैं। इंतज़ार है थोड़ा रिलैक्स करने का कि लाइफ रीसेट हो जाए और वापस वन से स्टार्ट हो जाए। तो ये थी पहली कहानी। अब हम इसे मेमोराइज कैसे करें, पोर्ट के ऑर्डर को। तो ये है एस, इसे हम एस के फॉर्म में मेमोराइज कर सकते हैं। एस, ठीक है, ऐसे ही ऊपर चला गया। ये देख लो, पोर्ट का ऑर्डर ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है। अच्छा, और जैसे हम इसमें XTEL 1 2, ये देख, जैसे ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है और इसमें 1 नीचे है, तो हम 1 यहाँ पे भी नीचे रखेंगे। XTEL 1 में भी नीचे रहेगा 1, फिर 2 आएगा, T1 में 1, फिर ऊपर 0, 1 फिर 0। तो ऐसे करके हम 1 को मेमोराइज कर सकते हैं। और ये पोर्ट का ऑर्डर है 0 1 2 3, एस की फॉर्म में 0 1 2 3।